को कोई वो नहीं है कि हाँ किसी पर डर भय कुछ भी नहीं है, और बाढ़ के बाद भी ये लोग नहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो आप पानी देख सकते हैं, पानी पूरा वहां तक आया था, अभी पानी काफी हद तक घटा हुआ है। अरे हम आए हुए हैं डोमरी गांव में जो बनारस में ही स्थित है, और यहां मैं आपको दिखाने लगी कि बाढ़ के बाद की यहां क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहां जो है मिट्टी फूली हुई है और पानी पूरा एकदम वहां तक ही बुरी स्थिति है। और यहाँ देखिए यहाँ बाढ़ में बच्चे नहा रहे हैं, इनको कोई वो नहीं है कि हाँ किसी पर डर भय कुछ भी नहीं है, और बाढ़ के बाद भी ये लोग नहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं पानी बिल्कुल वहां तक था, ये पर रास्ते होते हैं हमारे, लेकिन पूरी तरीके से रास्ते एकदम बंद कर दिए, ये पानी पूरा वहां तक आ चुका था, लेकिन अभी तो काफी स्थिति सामान्य हो चुकी है, धीरे धीरे पानी घट रहा है। लेकिन हाँ चिंता का विषय ये बन चुका है कि जब पानी खत्म हो जाता है तो कितनी ज्यादा गंदगी हो जाती है और कितना ज्यादा महामारी फैल जाता है, ये बात बहुत सोचने वाली है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। यहाँ आसपास के जो भी घर बनाए गए हैं, कितने खूबसूरत घर बनाए गए हैं, पर पूरे बाढ़ की चपेट में वो आ जाते हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाती है फ्रेंड्स। और ये हर साल का रोना हो गया है, ऐसा नहीं है कि इस साल ही ऐसा हुआ, ये हर साल की बात हो चुकी है। एक नया पुल निर्माण होने वाला है, लेकिन वो भी काम अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि बाढ़ का हालत है, बाढ़ में कैसे कोई काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये अभी हम जहाँ खड़े हैं ये डोमरी गांव है, और इस गांव को हमारे पीएम मोदी जी ने गोद लिया हुआ है, यानी उनके लिए बहुत ही प्यारा ये गांव है। पर ये गांव भी पूरी तरह से पानी की चपेट में, ये हर साल ऐसा होता है कि पानी हर जगह हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी नया प्लॉट लेने आते हैं वो सोचने लगते हैं कि यहाँ तो हर साल ही बाढ़ आता है, तो हम कोई नया प्लॉट कैसे फंसाएं, हम अपना पैसा कैसे लगाएं उस इन्वेस्टमेंट में। तो हर कोई परेशान रहता है कि इन्वेस्ट कैसे करें, क्या करें। तो आप देख सकते हैं वहाँ जो आप घाट दिखाई, पूरे हमारे बनारस के घाट है, ज़ूम करो, पूरे बनारस के घाट है। और अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो तो है डोमरी गांव, ये है डोमरी गांव। तो अभी आप पानी देख सकते हैं, पानी पूरा वहां तक आया था, अभी पानी काफी हद तक घटा हुआ है। मंदिर के अंदर ले चलते हैं आप लोगों को। हाँ नहीं पॉसिबल है, मंदिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पूरी मिट्टी से भरी हुई है। हाँ पर मंदिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि मंदिर पूरा एकदम सना हुआ है मिट्टी से, एकदम पैर घुस जाएंगे आपके, मिट्टी के दब जाएंगे, तो मंदिर में जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हाँ देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम चले चलते हैं आप खिड़किया घाट, वहाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। तक तो भेजा तो है, आगे तक गया था। जो वहाँ मंदिर वहाँ तक पानी था, मंदिर है ना, वहाँ तक गया। अच्छा आप यही रहते हैं क्या? नहीं हम लोग भी बहुत दूर से आ रहे हैं पानी। तो क्या करने यहाँ आए हो? घूमने फिरने के लिए, पानी देखने। कहाँ पे इतना पानी घटा हुआ है? नहीं काम भी अभी रुक गया हुआ है, काम भी रुका हुआ है अभी। चले नाव लगा, वहाँ चलना भी शुरू हुआ है कि चलता ही है? चलता है, कुछ तो बंद हो गया था ना, वाला सब मछली निकाल रहे हैं पानी में से। हाँ, मछली आया हुआ है क्या? हाँ, इसमें है। अच्छा ठीक है, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं अपने ही गांव में जहाँ मैं रहती हूँ, और ये गांव का नाम है डोमरी गांव, और इस गांव को मोदी जी ने गोद लिया हुआ है। बहुत ही प्यार है उनको इस गांव, जब भी बनारस में उनका आना होता है तब इस गांव में ज़रूर आते हैं। और यहां आप देख सकते हो कि पूरी जगह आपको पानी तो जा चुकी है, पर पूरी जगह मिट्टी फूली हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहां देखिए पूरी जगह मिट्टी, और यहां पर रेत हुआ करती है। आप कभी गर्मियों में यहाँ पर आएंगी तो आपको बहुत दूर तक सिर्फ रेत और रेत ही दिखाई देगी, क्योंकि हम गंगा उस पार रहते हुए हैं, तो यहाँ पूरी रेत ही रेत रहती है, लेकिन इस टाइम आपको हर जगह मिट्टी फूली हुई दिखाई दे रही होगी। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सी चीज़ें रखी गई हुई हैं, क्योंकि एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है जो कि रास्ते बनेंगे गंगा इस पार से गंगा उस पार जाने के लिए। पर अभी बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए सारी चीज़ें रोक दी गई हुई है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है।
आप देख सकते चाहे चीज़ें रखी गई हुई हैं पर काम को तो स्थगित कर दिया गया हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए हम अब निकल चुके हैं यहाँ से और चलिए आगे आपको अपना गांव दिखाते हैं कि जहाँ पानी की भी क्या स्थिति है। आपको जहाँ भी दिखेगा हर जगह को पानी ही पानी दिखाई दे रही होगी और जब तक ये पानी सूखेगा तब तक आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रह सकते हैं, कितनी दिक्कत झेलनी होगी, कितनी परेशानी को सामना करना होगा, क्योंकि ये पानी तो एक बार जमा हो चुका पर सूखने में टाइम कितना लग जाना है कोई ठीक नहीं है। भगवान जाने ये कैसे दिन देखने पड़ते हैं और हर साल हमको ये दिन देखने ही पड़ते हैं, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। चलिए आपको गांव के अंदर भी ले चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे मकान बनाए गए हुए हैं। लोग कितना उम्मीद लगा करके कितने अच्छे से कितने मन से मकान बनवाते हैं कि हम रहेंगे, लेकिन जब बाढ़ आता है तो उनको यहाँ से हटना पड़ता है, गांव छोड़ के हर साल उनको जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मकान अभी बन ही रहे हैं पर कितने अच्छे मकान बने हुए हैं ना, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये एकदम गाँव के बीच में मकान है, यहीं पर गैस एजेंसी भी है, सब कुछ बर्बाद एकदम बर्बाद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी एकदम अंदर तक घुसा हुआ है, यहाँ पे स्कूल भी है आश्रम वगैरह भी है, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, महीन महीन एकदम मक्खी मधुमक्खी और आपके कीड़े मकोड़े, पता नहीं जाने कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। यहाँ देखिए एक आश्रम भी है और पानी एकदम उसके अंदर तक घुस गया था, पानी तो अभी जा चुका हुआ है लेकिन सूखने में पानी बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, अभी टाइम कितना लगना है ये तो हमें खुद नहीं पता। दिखा रहे हैं चल क्रैश मुझ में चलो बकरिया को यहाँ बाढ़ रहा तो चल रहा है यहाँ पे बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ मकान बने हुए हैं और दूसरी साइड में पानी जमा है, आप सोच सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। इसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिनकी प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, वो कैसे रह सकते हैं इतनी दयनीय स्थिति में। पानी तो एक बार जमा हो ही गया पर अब जब जाएगा तो कितनी बीमारियां देकर जाएगा इससे कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ पशु भी लोग पाले हुए हैं, कैसे उनको रखेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, पता नहीं कैसे क्या करेंगे। और ये देखिए राजघाट पुल के ठीक नीचे ये गाँव बसा हुआ है, ऊपर पुल दिखाई दे रहा होगा और नीचे ये गाँव बनाया गया हुआ है और यहाँ पर तो अभी हेलीपैड ही बनने वाला है। और आगे बढ़ते हुए ये क्या हम देख रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची, नन्नी मुन्नी सी बच्ची रस्सी के सहारे चल रही है। आप सोचिए रस्सी के सहारे चल रही है और सिर्फ भूख के लिए, सिर्फ अन्न के लिए, खाने के लिए इन लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ तो सोचते नहीं होंगे अपने पेट के सिवाय कुछ और भी जीवन में कर सकते हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं कि जो अपने बच्चों को ये सब शिक्षा देते हैं, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चों से सिर्फ चीज़ करवाते हैं। शर्म आती है मुझे उनकी इसी सोच पर। यहाँ देखिए मैंने जो मेरे पास था मैंने उनको दिया और मैंने देने के तुरंत बाद जितने भी यहाँ पर गाँव वासी थे उन्होंने थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी शुरू कर दी। ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनके पास जो है वो देकर बच्ची की मदद कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। भगवान ने जितना हमें दिया है अगर वो किसी काम आ सकता है तो हमें ज़रूर उनकी हेल्प करनी ही चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए हम बढ़ चुके हैं खिड़किया घाट की तरफ, राजघाट क्रॉस करते ही आगे खिड़किया घाट है। चलिए अब देखते हैं कि पानी का फ्लोट कितना वहाँ कम हुआ, कितना नहीं हुआ और अभी वहाँ की क्या स्थिति है। निसंदेह पानी तो कम हुआ ही हुआ है और अभी हम राजघाट पुल पे आ चुके हैं। अभी मैं जहाँ आपको ले गई थी वो डोमरी गांव,
वो आपको उस तरफ दिखाई दे रहा होगा, मतलब गंगा पार में अभी आपको दिखाया, अब गंगा के इस पार में आ चुकी हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे क्या स्थिति है, इतना ज़्यादा पानी का बढ़ाव कम हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो तो महाप्रलय होने वाला है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा होने वाली है, कोई अंत नहीं है। बदबू इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के जो घर है वो रहते कैसे कि मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे रह पा रहे हैं, कैसे कुछ बदबू झेल पा रहे हैं। 2 मिनट के लिए मैं गई और मेरा एकदम दम घुटने लगा। जिस बात का डर था देखिए वही हो गया। यहाँ पर नमो नारायण जो घाट बनाए गए हुए, यहाँ पर इस हाथ के नीचे ये देखिए क्रैक पड़ चुका है, क्रैक पड़ चुका है यहाँ पर, और ये जब न तब टूट जाए, कोई ठीक नहीं कब टूट जाए, कब बिखर खराब हो जाए। कितनी मेहनत से बनाया गया, कितनी लागत से बनाया गया ये पुल, और अब खराब होने की स्थिति पर आ चुका है। सामान्य कब तक हो जाएगी कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कब क्या होना है वो तो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ देखिए यहाँ पर पूरी जगह पानी में कितनी गंदगी बह कर आई हुई है, आखिर इनसे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी ना, क्या ही कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।